पुष्पेन, किसकी चिट्ठी है? तुमने फोकट फिल्म को जो काम के लिए दस्तखत दी थी वह उन्होंने मंजूर कर ली है और तुम्हें टीवी सीरियल के लिए स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया है। अच्छा, करोड़ों दर्शक मेरा चेहरा टीवी पर देखेंगे और मैं एक स्टार बन जाऊंगा। मुझे स्टूडियो जल्दी पहुंचना चाहिए। ओह लाल बत्ती, आसपास कोई पुलिसमैन नहीं है, चुपके से निकल जाता हूँ। डायरेक्टर साहब, आप तो शायद आप मुझे सीरियल में नहीं लेंगे। क्यों नहीं, हमारे सीरियल का हीरो एक मरीज है, तुम्हारे मेकअप का खर्चा बचेगा। कमली, मेरे जुराब कहाँ है? मुझे दफ्तर जाना है। वह तुम्हारे हाथ पे क्या है? या, एक पैर की है, दूसरे पैर के जुराब नहीं मिल रही। कपड़ों की अलमारी में खोजती हूँ, वहाँ नहीं मिली, शायद भूल से वह वॉशिंग मशीन में चली गई हो। वह यहाँ नहीं है, मेज की दराज में भी नहीं मिली, स्टोर में भी नहीं, सारा घर छान मारा। कमली, जुराब मिल गई। अच्छा, कहाँ से मिली? मेरे दूसरे पैर में। तापमान घटकर 4 डिग्री सेल्सियस हो गया है। कमली, यह सुनकर मुझे और ज्यादा ठंड लगने लगी है। तुम आज दफ्तर से छुट्टी क्यों नहीं ले लेते? नहीं, दफ्तर में हीटर लगे हैं, वहाँ आराम रहेगा। बाय। दोस्त मोगा सी, क्या बस तो नहीं निकली? नहीं रमन, मुझे सर्द हवा लग रही है, क्या आप थोड़ा सा कंबल मेरे ऊपर डाल देंगे? नहीं। तुम कैसे दोस्त हो जो थोड़ी देर के लिए अपने कंबल में आश्रय नहीं दे सकते? इसमें पहले से ही दो है। बाबू, तुम्हें 1 रुपए में सस्ता कलम दे दिया। रमन, तुम्हारे हाथ में पुरानी कलम? खलीफा, मैंने कबाड़ी बशीर से 1 रुपए में खरीदा है। यह कलम तो मिर्जा गालिब का लगता है, मैंने तस्वीर में उन्हें यह कलम पकड़े देखा था। इस ऐतिहासिक कलम की कीमत 10,000 रुपए से कम न होगी। अगर यकीन न हो तो जाकर इतिहास के टीचर गोकुल प्रसाद से पूछ लो। सर, यह कलम कितना पुराना होगा? यह लाड़े कार्नवालिस का है, जिसे गवर्नर जनरल आदेश लिखते थे। इसकी कीमत 1,00,000 रुपए से कम न होगी। चाहो तो जाकर प्रोफेसर चैटर्जी से पूछ लो। पुरी बाबा, यह कलम महर्षि वाल्मीकि का है, जिससे उन्होंने रामायण लिखी। यह 10,00,000 रुपए से कम न होगा, जाकर प्रिंसिपल तिवारी से पूछ सकता हो। यह टूटा कलम मेरा है, जो मैंने कबाड़ी बशीर को मुफ्त में दिया था, क्योंकि अब मैं बॉल पॉइंट से लिखता हूँ। रमन, गप्पू, तुम दोनों ने अपने अपने संवाद समझ लिए हैं? हाँ हाँ, पढ़ा हो गया। रावण, सीता को आजाद करके श्री राम से माफी मांग लो, नहीं तो क्या करोगे? मैं इनकम टैक्स वालों को तुम्हारी सोने की लंका दिखा दूंगा, वह छापा मारेंगे। मैं केदार भाग्यों से नहीं डरता। तो फिर युद्ध होगा, तुम्हारी लंका की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। यह बंदर बहुत बार बार कर रहा है, सैनिकों इसकी पूछ को आग लगा दो। मेरी पूछ पे बारूद भरा था। एक स्टेशन मास्टर की बेटी की किस्मत फूट गई, जो एक अकाउंट्स क्लर्क के साथ ब्याह ही गई। पति ने कभी कोई तोहफा लाकर नहीं दिया, न ही कभी सैर सपाटे को लेकर गया। मेरी शादी तो एक डॉक्टर से हो रही थी, अगर वो हो जाती तो सब लोग मुझे इज्जत से डॉक्टर नहीं पुकारते। उसका 1 एकड़ में बंगला, नौकर चाकर, 2 इम्पोर्टेड कारें और भारी बैंक बैलेंस था।
देखने में वो गोरा खूबसूरत 6 फुट लंबा हट्टा कट्टा तंदुरुस्त था। तो फिर तुमने उस डॉक्टर से ही शादी क्यों नहीं कर ली? वह उम्र में मुझसे कुछ महीने बड़ा था। कितने? 240 महीने। मिस्टर रमन, नया साल मुबारक हो। तुमको भी। ये लो नए साल का उपहार डायरी। इस तोहफे को जेब में डाल लूं? खलीफा, मुझे पैसों की जरूरत है, क्या तुम 5,000 रुपए दे सकते हो? क्यों नहीं, आखिर तुम मेरे दोस्त हो। तुम कितने अच्छे हो, गिन लो, पूरे 5,000 है। रमन, तुम हमेशा खलीफा से ही पैसे क्यों मांगते हो? क्या इसलिए कि देर से लौटाने पड़ते हैं? रुपया लौटाना किसने है? खलीफा भुड़क्कड़ किस्म का आदमी है, वह रुपए देकर भूल जाता है। लेकिन पापा, इस बार वह भूलेंगे नहीं, मम्मी ने उन्हें पैसों का हिसाब लिखने के लिए डायरी दे दी है। क्या तुम्हारा नाम रमन है? हाँ। हमारी बेटगार्ड कंपनी की जो शीर्षक प्रतियोगिता में तुमने हिस्सा लिया था, उसमें तुम्हारा 500 रुपए का इनाम आया है। लेकिन रुपए पाने से पहले रसीदी टिकट लगाकर तुम्हें रसीद देनी होगी। घर पर तो रसीदी टिकट है नहीं। पोस्ट ऑफिस आज बंद है। ठहरो, मैं जाकर दोस्त गप्पू से पूछता हूँ। टिकट तो मेरे पास 2 है, लेकिन सिनेमा के, चाहो तो मेरे साथ चलकर फिल्म देख सकते हो। मैं नेता चौधरी चौकट लाल से पूछता हूँ। अरे, टिकट तो हम तुम्हें दिला देंगे, लेकिन चुनाव तो आने दो। मैं खलीफा से पूछता हूँ। रसीदी टिकट तो मेरे पास है, लेकिन वायदा करो कि रुपए मिलते ही तुम मेरा उधार चुका दोगे। मैं वायदा करता हूँ। टिकट मिल गया। लेकिन बेटगार्ड कंपनी का कर्मचारी इंतजार करके चला गया। अरे बन बानो, मैं तुम्हें हर तरह से सुखी रखूंगा। मेरी तनख्वाह 350 रुपए है, मगर ऊपर से 4-5 हजार रुपए बन जाते हैं। सट्टे और गुड्डौर से 60,000 रुपए अलग आ जाते हैं। मुझे रिश्वत खोर जुआरी से शादी नहीं करनी। खलीफा, कहाँ से आ रहे हो? रमन, बनबानों ने मुझे ठुकरा दिया है। उसे मेरा रिश्वत लेना और गुड्डौर पर दाव लगाना पसंद नहीं। अब मैं जुबेदा से निकाह की दरखास्त करने जा रहा हूँ। उसके आगे तुम अपने गुण का बखान न करना। ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। जुबेदा, मैं कभी जुआ नहीं खेलता, रिश्वत नहीं लेता, हमेशा सच बोलता हूँ, इबादत करता हूँ और रूखी सूखी खाकर गुजारा करता हूँ। मुझे दरवेश पति नहीं चाहिए। उम्र सारी। बारिश आ गई। खिड़की बंद कर दो, बौछार अंदर आ जाएगी। मैंने खिड़की बंद कर दी, लेकिन पानी का अंदर आना नहीं रुका, शीशा टूटा है। उस जगह पर कागज चिपका देता हूँ। कागज फट गया, बौछार अंदर आने लगी है। क्यों ना इस अलमारी को खिड़की के सामने खड़े कर दिया जाए, या बौछार को रोकेगी। पानी फिर भी नहीं रुका। अलमारी पीछे से टूटी है। खलीफा, कहाँ जा रहे हो? सर्कस देखने गप्पू। देखो, रमन की कमीज के साथ मैंने पटाखे की लड़ी बांध दी है, अभी वह बंदर की तरह नाचेगा। तब मैं सर्कस की बजाय यह नजारा देखूंगा। चुप रह, चटक का धागा टूट गया। रमन, दफ्तर में चूहे बहुत हो गए हैं, चूहेदानी खरीदनी है। चूहेदानी कितने की है? बाबू जी, 10 रुपए की। चलो, टेंडर देना होगा, यह दफ्तर का नियम है। कीमत में 5 रुपए
मेरे जोड़ लेना। मैं दफ्तर का टेक्निकल एडवाइजर हूँ, 100 रुपए मेरे जोड़ लेना। मैं स्टाफ इंजीनियर हूँ, चूहेदानी पास करना है तो 300 रुपए मेरे जोड़ लेना। मैं मैनेजर हूँ, 500 रुपए मेरे जोड़ लेना। बिल मैं पास करूँगा, 300 रुपए अकाउंटेंट के जोड़ लेना। पेमेंट मुझसे लोगे, 250 रुपए कैशियर के जोड़ लेना। कीमत 1475 रुपए, हमें चांदी की चूहेदानी नहीं चाहिए। क्या आप रमन बोल रहे हैं? हाँ, कौन? मैं बनारसी दास किनारी वाला। मैं इस नाम के किसी आदमी को नहीं जानता। मगर मैं आपको जानता हूँ। आप कौन सा टीवी सीरियल देखते हैं? कई देखता हूँ, जैसे चाणक्य, वर्ल्ड दिस वीक, मृगनयनी वगैरह। इस वक्त क्या कर रहे थे? क्यों, मैं एक मैगजीन पढ़ रहा था। क्या आप सुबह की सैर पर जाते हैं? जाता हूँ, मगर तुम्हें इससे क्या वास्ता? वास्ता है, नाश्ते में क्या लेते हैं? तुम कौन होते हो पूछने वाले? मैं कुछ भी खाऊं। हमारे मकान मालिक डोलराम आए हैं। बनारसी दास किनारी वाले को मैंने कहा था कि तुम्हें टेलीफोन पर व्यस्त रखे ताकि मैं तुम्हें पकड़ सकूं और किराया वसूल सकूं। नहीं तो फिर अपनी जेब ढीली कर दो। मेरे कपड़े में जेब नहीं है। ऐसे कैसे कपड़े सिलाते हो? इतनी महंगाई में पैसे ही नहीं बचता, जेब रखने का क्या फायदा? तो फिर अपने कपड़े उतार दो, उन्हें बेचकर कुछ पैसे वसूल हो जाएंगे। हेलो, क्यों तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे? तुम तो कहते थे कि आसपास कोई पुलिसमैन नहीं। वाह, 5 मिनट पहले की बात थी, अगले मिनट क्या हो जाए कौन जानता है। कामली, क्या एक कप चाय मिलेगी? नहीं, अभी मैं घर की सफाई करने में व्यस्त हूँ। बेबे जे, कोई काम मिलेगा? तुम क्या कर सकते हो? सफाई मैं बहुत अच्छी कर लेता हूँ। ठीक है, हम तुम्हें नौकर रखते हैं। कमली, ऐसा झाड़ू सौंपो। चलो, तुम्हारा एक बोझ तो हल्का हुआ। कुछ देर बाद, बुद्धू, काली का प्लेट ले जाओ। क्या बात है, नौकर आया नहीं? मैं जाकर देखती हूँ, वो हमारी तिजोरी की सफाई करके पिछले दरवाजे से चलता बना। रमन्ना, तुम्हारे बारे में एक अच्छी भविष्यवाणी है, दूसरी खराब। अच्छी क्या है? तुम्हें आज 10 लाख रुपए मिलेगा। दूसरी सुनती जाओ, जरूरत नहीं, जिसके पास 10 लाख रुपए होगा उसके नसीब खराब हो ही नहीं सकते। कहीं यह वही 10 लाख रुपए तो नहीं ज्योतिषी की भविष्यवाणी सच्ची हुई? यह मेरा बैग है, थोड़ी देर पहले इसे सीट पर रखकर मैं कंडक्टर से टिकट लाने गया था। दूसरी खराब भविष्यवाणी क्या थी? वो पैसे तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट रहेगा। क्या बात है, आज टीवी की पिक्चर धुंधली आ रही है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मैंने मोहल्ले के सारे टीवी देखे हैं, उनकी पिक्चर इतनी साफ और मनोरम होती है कि देखने को जी चाहता है। एक हमारा है कि पता ही नहीं चलता कि टीपू सुल्तान क्या है, चाणक्य क्या। ठीक है, मैं बटन दबाकर पिक्चर साफ कर देता हूँ। हाँ, पिक्चर पहले से साफ है, मगर रंग फीके पड़ गए हैं। अब देखो, रंग बेहतर हो गए मगर पिक्चर जम करने लगी है। अब पिक्चर ठीक हो गई लेकिन आवाज गायब, अब सब गुल हो गया। टीवी रिपेयर करने के 125 रुपए लगेंगे। आज ही रात को ये कैसी आवाज? बिल्लोटे लड़ रहे हैं। भागो! कुत्ते लड़ रहे हैं। नींद हरा
काम करते हो, भागो। आदमी लड़ रहे हैं। शोर शराबा करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम कौन होते हो हमारे बीच में बोलने वाले? मारो मारो मारो। अब पूरे बदन में दर्द के कारण नींद नहीं आएगी। सर, मेरा प्रमोशन का केस कई महीने से लटका पड़ा है। अच्छा रमन, अपनी फाइल दो, मैं उस पर तुम्हारे प्रमोशन का ऑर्डर लिख दूं। मेरी फाइल यही इन कागजों में होनी चाहिए। वहां नहीं मिली तो इस कैबिनेट में होगी। वह यहां भी नहीं है, शायद वह मेरी टेबल पर पड़ी हो। यहां भी नहीं। सारा दफ्तर छान मारा मगर मेरी फाइल नहीं मिली। सर, वह नहीं मिली। फाइल मिलती कैसे? उस पर तो मैं बैठा था। रद्दी बोतल वाला। क्या सारे अखबारों को बेच दें? आज का पेपर छोड़कर रद्दी क्या भाव है? 4 रुपए किलो। सारी चीजों के दाम ऊपर जा रहे हैं, रद्दी के रेट एक जगह पर क्यों टिका है? आपके घर से कूड़ा तो निकालना ही है। मुझे अपने अखबार इतने सस्ते में नहीं बेचने। रद्दी बोतल वाला, इस दूसरे कबाड़ी से पूछो क्या भाव है। 7 रुपए किलो। हाँ, यह उचित भाव है। आधा किलो। यह रहे 3 रुपए 50 पैसे। टॉम हरीफा, क्या तुम इस कबाड़ी को जानते हो? इसके तराजू की सुई हमेशा बीच में स्थिर रहती है। मुझे घर पहुंचना चाहिए। अरे गप्पू को क्या हो गया? आओ, आओ। क्या वो चीख रहे हो? मेरी बीवी चाहती है कि मैं ज्यादा खाना ना खाऊं, इसलिए उसने कटोरा भर के मिर्च मेरी दाल में डाल दी। उसी की जलन हो रही है। ओ, कुछ मीठा खा लो। रमन, तुम मुझे रसगुल्ला खिला दो। वह तो मेरे पैसे खर्च कराने पर तुला है। खलीफा आ गया। खलीफा, तुम्हारे पास क्या है? मिठाई। खलीफा हमेशा मेरा नुकसान कराता है, क्यों ना आज मैं बदला लूं और इसकी मिठाई गप्पू को खिला दूं। दोस्त, गप्पू के मुंह का जायका ठीक करने के लिए क्या यह मिठाई तुम उसे दे सकते हो? क्यों नहीं खलीफा, मिठाई खिलाने का धन्यवाद। धन्यवाद रमन का करो। जब वह घर पर नहीं था तो उसकी पत्नी ने मुझे पैसे देकर यह मिठाई बाजार से मंगवाई थी। कामली, देखो मेरे पास 1000 रुपए। कहाँ से मिले? 6 साल पहले जो 250 रुपए की कमीटी निकली थी, उसे मैंने फिक्स डिपॉजिट में जमा कर दिया था। ब्याज के साथ यह रकम आज 4 गुना हो गई। याद है, तब तुम कमीटी के 250 रुपए से सोने की अंगूठी खरीदना चाहती थी, मगर मैंने तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध रकम को फिक्स डिपॉजिट में डाल दिया था। अगर मैं उस वक्त अंगूठी खरीद लेती तो आज मेरी उंगली सूनी न होती। लेकिन अब हम इन 1000 रुपये से 2 अंगूठी खरीद सकते हैं, एक तुम्हारे लिए, दूसरी मेरे लिए। अच्छा, आओ। हमारे पास 1000 रुपए है, हमें सोने की 2 अंगूठियां खरीदनी है। सोने के भाव बढ़ गए हैं, इतने पैसों में तुम्हारी पत्नी की नाक की लौंग भी नहीं आएगी।